हेलो वेलकम टू नेट शिक्षा आई एम आयु शर्मा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये सेल का सेकंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है वहां से आप इंट्रोडक्शन ऑफ सेल वीडियो देख सकते हैं सेल के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जिसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन एक थिन लेयर बैरियर होता है जो सेल को सराउंडिंग से डिफ्रेंशियट करता है यह सेल को प्रोटेक्ट भी करता है एंड डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन जनरली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होती है यह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर से बना होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग हेड होता है जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो एंड हाइड्रोफोबिक या वाटर रेपलेंट टेल होती है जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो जनरली एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं बिकॉज ये मॉलिक्यूल ड्वेल नेचर शो करता है वाटर लविंग भी शो करता है एंड वाटर रेपलेंट भी 1972 में एस जे सिंगर एंड गार्थ एल निकलसन ने सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया जिसे फ्लूड मोजेक मॉडल का नाम दिया इसमें फ्लूड वर्ल्ड इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल के थिन लेयर के अराउंड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है मोज़ेक वर्ड स्कैटर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल के पैटर्न को डिस्क्राइब करता है जब सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से देखा जाए सेल मेम्ब्रेन जनरली पोरस होती है एंड यह सब्सटेंस के मूवमेंट को इनवर्ड एंड आउटवर्ड अलाउ करती है इस स्लाइड में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एंड उसके कंपोनेंट को शो किया गया है जैसे आप यहां देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है इसके अंदर प्रोटीन ग्लाइकोपिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड एनिमल सेल यदि हुई तो उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं नाउ व्हाट इज जॉब ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल में क्या एंटर करेगा एंड क्या बाहर जाएगा ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है Hence, ये सेमी परमिबल होती है एंड सेल को ये प्रोटेक्ट भी करती है ये सेल के लिए गेटवे एंड बैरियर भी होती है एंड ये एक डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करती है सेल को नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को ओवरऑल स्ट्रक्चर देता है एंड सेल एंड सराउंडिंग के बीच एक बैरियर भी होता है प्रोटीन से अटैच होता है, जो न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजन एंड एंड प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट पैथोजेंस या फॉरेन बॉडी जैसे वायरस बैक्टीरिया एटसेट्रा को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यह है सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड वाली एंड यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके बीच में जो प्रेजेंट होगा उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे साइटोप्लाज्म में साइटोसोल सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन प्रेजेंट होते हैं अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं साइटोसोल साइटोप्लाज्म का लिक्विड और एक्वस पार्ट होता है जैसे ह्यूमन बॉडी में लीवर किडनी हार्ट एटसेट्रा ऑर्गन होते हैं वैसे सेल के ऑर्गन सेल ऑर्गनल कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोलगिजी एपरेटस एटसेट्रा कुछ सेल ऑर्गनल्स हैं जिन्हें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये मैमब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं एंड ये स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सेल इंक्लूज की बात करें तो ये नॉन लिविंग सेल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि रिजर्व प्रोडक्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक गम एंड लेटेक्स एंड सिक्रिटरी प्रोडक्ट्स लाइक कलरिंग मैटर एंड नेक्टर एटसेट्रा नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट थ्री ऑफ सेल दैट इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल्स होते हैं ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इसमें क्रोमोजोन्स प्रेजेंट होते हैं जनरली ज्यादातर सेल्स में राउंड शेप्ड न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जैसे आप यहां देख सकते हो जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ये डबल लेयर्ड होती है न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियोलस न्यूक्लियो प्लाज्म क्रोमेटीन एंड क्रोमोजोन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियर को कवर करती है आप इस डायग्राम में देख लो ये जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन में टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है इस डायग्राम में देख सकते हैं आप ये टाइनी होल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं पोर्स कंटेंट को इनफ्लो एंड आउटफ्लो में हेल्प करते हैं बाहर से क्या न्यूक्लियस के अंदर आएगा एंड क्या न्यूक्लियस से बाहर जाएगा इसमें हेल्प करते हैं न्यूक्लियर पोर थर्ड है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस में ये आरएनए का बना होता है एंड ये राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम बायोजेनेसिस में हेल्प करता है न्यूक्लियो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूड होता है जिसे हम न्यूक्लियो कहते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर यह फ्लूड स्ट्रक्चर न्यूक्लियो कहलाता है क्रोमेटीन मटेरियल थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोजोम्स मटेरियल के इंटेंगल्ड मासेस से बना होता है इनमें प्रोटीन एंड डीएनए होते हैं सेल डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस में क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम ऑर्गेनाइज्ड होके क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोजोम्स भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये जनरली सेल डिवीजन के टाइम ही दिखते हैं क्रोमोसोम्स जीन के बने होते हैं एंड जीन डीएनए के बने होते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जब नॉन डिवाइडिंग सेल था तब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर था बट जब सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ तब क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो गया जो आप यहां देख सकते हैं एंड आफ्टर जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया वापस क्रोमोजोम्स इंटेंगल्ड होकर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बन जाएगा नोट कीजिए सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोजोम्स बने होते हैं जीन्स के एंड जीन्स बने होते हैं डीएनए के थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे सेव एंड स्टे विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज